14 अक्टूबर 1956 की धर्मक्रांति जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने नागपुर की नाग नगरी में की है, इस धर्मक्रांति के अभी 65 साल बीत चुके हैं और इन 65 सालों में इस धर्मक्रांति का सफ़र कैसा रहा, इस सफ़र को आप तक पहुंचाने का ये कार्यक्रम चल रहा है। और इसी कड़ी में इस समय हमारे साथ है एक ऐसे प्रसिद्ध उद्घोषक जिनकी आवाज़ आपने ऑल इंडिया रेडियो से बरसों सुनी है, अशोक जांभुलकर साहब। लेकिन ये इतना ही उनका परिचय नहीं, बल्कि वे अंबेडकराइट बुद्धिस्ट थिएटर के एक जाने माने निर्देशक हैं, एक जाने माने रंगकर्मी हैं और एक ऐसे कार्यकर्ता है जिन्होंने अपना जीवन अंबेडकराइट आंदोलन के लिए समर्पित किया है। तो आइए आज इस मूल्यांकन को और उनकी भावना को आपके साथ साझा करते हैं। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जय भीम। हम यहाँ से इस कार्यक्रम को शुरू करना चाहेंगे कि एक निर्देशक के रूप में, अंबेडकराइट आर्टिस्ट के रूप में, एक रंगकर्मी के रूप में और एक ऐसे कलाकार जिनके आवाज़ को बरसों लोगों ने आकाशवाणी से सुना, अभी तो आप सेवानिवृत्त है, ये बात दूसरी है, लेकिन इस बात को हम समझना भी चाहेंगे कि आप इस धर्मक्रांति को जो 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहेब ने की, खैर हम ये तो कहेंगे कि उस वक्त शायद आप नहीं रहे होंगे, लेकिन उसका जो प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब को आपने जरूर महसूस किया होगा जी। आप कैसा समझते हैं इसे? धर्मक्रांति के 5 साल के बाद में पैदा हुआ, यानी 1961 को जी। लेकिन वो पूरा असर हमारे परिवार पर था। हमारा परिवार यानी मेरे पिताजी जी, उन्होंने धम्म दीक्षा ली थी नागपुर में, और मेरी माताजी भी थी उस वक्त, उन्होंने भी धम्म दीक्षा ली थी, और वो पूरा माहौल उस वक्त हमारे घर पे था। और ऐसा है कि आपने जो पूछा कि मैं जिस फील्ड से कहूँ, यानी जिस फील्ड में मैं काम करता हूँ, यानी कल्चरल फील्ड में, सांस्कृतिक इसमें काम करता हूँ, तो इसमें जैसे धम्म क्रांति ने हमें क्या दिया, कलाकारों को क्या दिया या कला क्षेत्र को क्या दिया जी, जी है ना, इस बात को अगर समझा जाए तो ऐसा देखिए कि जब बाबा साहब जिंदा थे तो बाबा साहब का भाषण होता था गांव गांव में, और गांव गांव में भाषण जब होता था तो उससे पहले एक जलसा होता था जो आगे चलकर अंबेडकरी जलसे के नाम से प्रचलित हुआ। नासिक की करडक मंडली ये जलसा करती थी जी। और बाबा साहब ने अपने भाषण में एक जगह कहा भी है कि मेरे 10 भाषणों से करडक मंडली का एक जलसा बहुत ज़्यादा प्रभावी है जी। तो इस लाइन का मतलब ये है कि लाइट एंड साउंड के माध्यम से जो चीज़ इंसान के दिमाग में जाती है और दिल में उतर जाती है, बस जाती है, रच बच जाती है, और फिर आज 2021 में हम हैं, आज हम उन सारी चीज़ों को अगर देखें, पीछे मुड़कर देखें, तो हमारे उन कलाकारों ने जो काम किया, खासकर करडक मंडली ने, करडक मंडली के बाद हमारे बहुत सारे गायक जिसमें कृष्णा शिंदे है, विठ्ठल शिंदे है, गोविंदराव मशीलकर है, या नागोराव पाटनकर जी है नागपुर के, इन सभी लोगों ने बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए अपने गीतों के माध्यम से जन जागरण किया है। क्या उन गीतों में आपने उन गीतों को सुना तो होगा, उन गीतों में बाबा साहेब की धम्म क्रांति का कोई प्रतिबिंब दिखा? बिल्कुल है, बिल्कुल है, निश्चित तौर पर है उस पे। कि आप पुराने गाने सुनिए जो 78 RPM के ऐसे, जैसे हमारे दर्शकों के लिए कोई एक गाने की कोई एक हाथ लाइन आप बता पाएंगे कि जिसमें ये प्रतिबिंब दिखता हो? अब देखिए, पुराने गाने हैं जैसे कृष्णा शिंदे के हो गए, विठ्ठल शिंदे के गाए हुए गाने, तो उन गाने के रिकॉर्ड आज मिलते नहीं है, लेकिन हमारे पास, आकाशवाणी के पास वो सब कुछ जमा है। तो वो गाने तो मुझे अभी याद नहीं, लेकिन फिर भी एक गाना अगर हम ये देखे तो वो गाना उसमें भी जुड़ता है कि पहा पहा मंजोड़ा हमाजा भीमरायाचा मड़ा। अच्छा, वो जो बाबा साहेब की स्तुति में जो गाना आता है और बाबा साहेब का जो योगदान आता है इस पूरी सोसाइटी को बिल्डअप करने में जी, ये तो हो गए बाबा साहेब के बारे में, लेकिन तथागत बुद्ध के ऊपर भी बहुत सारे गीत लिखे गए हैं। और हमारे उन गायकों ने हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में गाए हैं, बहुत प्यारे प्यारे गीत है। और अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो एक गाना है विठ्ठल शिंदे ने गाया हुआ, दो गाने हैं, भीमजी हमको अंधेरे से निकाला आप तुमने, ये एक गाना है, और दूसरा और एक गाना है जो रेडियो पे बजता है आज भी, तथागत बुद्ध की स्तुति में बहुत सारे गीत है, आप उसको
पुराने गाने को उठाकर देख लीजिए, तथागत बुद्ध के बारे में बहुत सारे गीत लिखे गए हैं, और अभी अभी यानी क्या क्या ये बात सिर्फ गीतों के जरिए आई या फिर जो कला की जो अन्य विधाएं हैं? मैं उसके उसी साथ तरफ आ रहा हूँ कि मात्र गाने के माध्यम से, संगीत के माध्यम से ये सारी चीजें बयान नहीं की गई, लेकिन इसके साथ साहित्य का बहुत बड़ा हिस्सा है। अच्छा, बहुत बड़ा, कि बहुत बड़े प्रमाण में पैमाने पर अम्बेडकरी साहित्य का निर्माण हुआ। क्या वो भी धम्म दीक्षा से प्रभावित होकर आया? उससे पहले आया, हाँ। और उसके बाद जो साहित्य आया वो धम्म दीक्षा से प्रभावित होकर आया है, मतलब उससे प्रेरणा पाकर। यस, जैसे एक माँ और कारंडे गुरुजी थे बंबई वाले, उनका एक नाटक था जय बौद्ध करके। अच्छा। मैंने पढ़ा है वो नाटक जय बौद्ध करके। ये कुछ याद कर पाएंगे कि कब की बात होगी ये? ये फिर भी मैं होगा तकरीबन 60 साल में से 15 साल माइनस 45 साल पहले की बात है वो। अच्छा, दीक्षा भूमि पर वो किताब खरीदी थी मैंने, महाकारंडे गुरुजी का जय बौद्ध नाम का नाटक, बहुत ही प्यारा नाटक था। और हम देखते हैं कि इस समय में अब जय भीम नाम की फिल्म आई है। जी, और जय भीम नाम की फिल्म तो बहुत चलेगी और चल भी रही होगी। हाँ। अभी उसका दक्षिण की फिल्म की बात कर रहे हैं, और जहां तक हम याद करते हैं कि जय भीम नाम का एक नाटक भी था, जो नाटक रंगमंच पर खेला गया अंबेडकर थिएटर्स में। बिल्कुल खेला गया है। और जैसे ये है कि तथागत बुद्ध के संदर्भ में अगर हम बात करें कि तथागत बुद्ध के धम्म का हमारे समाज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, तो प्रभाव ये पड़ा कि 1956 से पहले की हमारी जो जिंदगी थी, साहित्य में भी बयान किया गया है और हम सब लोग जानते हैं हमारी जिंदगी क्या थी, तो वहाँ पर जो प्रभाव पड़ा कि हमने हमारे घर में जितने भी पत्थर थे वो सारे पत्थर हमने नदी नालों में फेंक दिए, और हमने एक ही व्यक्ति को स्वीकारा, और वो व्यक्ति थे तथागत भगवान गौतम बुद्ध। और उस व्यक्ति को हमें प्रदान किया या हमें दिखलाया, हमें रास्ता दिखाया तथागत बुद्ध तक जाने का, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने। और इसके साथ साथ यानी साथ साथ यानी तथागत बुद्ध को भी स्वीकारे हमने और बाबा साहब अम्बेडकर को भी स्वीकारा। 1956 से पहले तो स्वीकार चुका था पूरा समाज, लेकिन 1956 के बाद जब हमने तथागत बुद्ध को स्वीकारा तो हमारी पूरी जिंदगी में, हमारी लाइफ में, होल लाइफ में पूरा चेंजेस आ गया। कल तक हमारे जो पुरखे थे यानी मेरे माता पिता या फिर मेरे नाना नानी दादा दादी, ये जो लोग जिस ढंग से जीते थे, तो वहाँ पे पूरा चेंज आया। सडन 1956 के बाद ट्रमेंडस चेंज आया, और इतना अच्छा चेंज आया इस समाज में। अच्छा, लेकिन जाबुलकर साहब, एक बात तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका एक रंगकर्मी के रूप में, एक सांस्कृतिक कर्मी के रूप में आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है कि जहाँ वो जो देवालय थे घर के अंदर बने हुए छोटे छोटे, वहाँ से जो ये मूर्तियाँ जो पारंपरिक उनके पास थी उनको उठाकर बाहर किए और वहाँ पर बुद्ध रखे, तो क्या वो भी उसी भावना के साथ रखे गए? ऐसा आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहा? मेरा ऑब्जर्वेशन तो यही है कि जैसे मराठी में कहते हैं ना कि देवारे आम्ही फेकून दिले होते, है ना, लेकिन आज बहुत सारे घरों में हम देखते हैं कि वो पूजा स्थल वैसा ही है। अच्छा, जैसा पहले था वैसा ही है। क्या उन्हीं भावनाओं के साथ बुद्ध की प्रतिमा स्थापित हो गई? हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। अब क्या आपको लगता है कि धम्म क्रांति को ये अपेक्षित रहा होगा? नहीं, ये अपेक्षित नहीं था। तो क्या क्या अपेक्षा रही होगी धम्म क्रांति की? अपेक्षा ये रही थी कि तो आप अपनी जिंदगी में आमूलाग्र बदल कीजिए, परिवर्तन कीजिए। ओके, परिवर्तन का मतलब ये होता है कि हमारे जिंदगी में जितनी भी गलत चीजें आज तक होती आई थी 1956 से पहले तक, उन सारी चीजों को हमने छोड़ना है। चलो, हमने छोड़ भी दिए, लेकिन एक चीज पूजा स्थलों की जो बात है कि पुराने पूजा स्थल तो हमने फेंक दिए थे, लेकिन अब उसी तरह के नए पूजा स्थल हमारे घर में पैदा हो गए, हमने स्थापित कर लिए हैं। क्या ये धम्म क्रांति को आगे लेकर जाएंगे? कहा नहीं जा सकता। कैसा है कि आप अगर जिन लोगों ने धम्म क्रांति की, जिन लोगों ने हमें धम्म दिया, तो उनके विचारों पर चलना बहुत जरूरी है। पत्थर की मूर्तियां घर में बिठाने से क्या होगा? चलो, हमने मूर्तियां बिठा दी, बाबा साहब की मूर्ति हमारे घर के अंदर है, तथागत बुद्ध की मूर्ति हमारे घर में घर के अंदर है,
उस पूजा स्थल पे, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पर अगर हम नहीं चल रहे, उनके बताए हुए विचारों पर अगर हम नहीं चल रहे, तो कोई मतलब नहीं उस पर। एक बात जो मैं आप ही की बात से जोड़कर जानना चाह रहा हूँ कि जैसा आपने कहा कि जो बीती पीढ़ियाँ थी, उन पीढ़ियों ने तो उन पूजा स्थलों से उन प्रतिमाओं को उठाकर फेंक दिया जिन प्रतिमाओं के प्रति बाबा साहेब ने कहा कि इनकी जरूरत नहीं जी, और वो प्रतिमा लेकर आए जो बुद्ध की प्रतिमा है जो अपने पूजा स्थल में लेकर आए, क्या उसके बाद वाली पीढ़ियों का जागरण नहीं हो पाया? क्या ये जागरण की कमी मानी जा सकती है? बिल्कुल मानी जा सकती है, क्योंकि कैसा है कि हमने लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है कि बाबा साहेब ने एक संगठन जरूर बनाया था भारतीय बौद्ध महासंघ जो इस तरह के कार्य को आगे ले जाए, क्या उस पर कैसा काम हुआ है, आप कैसा देखते हैं? नहीं, एक जिम्मेदारी अगर किसी बड़े व्यक्ति ने मुझे दी है कि उन्होंने कहा है कि यह आपका काम है, ये आपको करना है और समाज में जागृति लाना है, समाज में जितनी भी गंदी बातें हो रही है, यानी जो मतलब की नहीं है, हमारे मतलब की नहीं है, उन बातों को आपको दूर करना पड़ेगा। तो उन लोगों ने जिनके लिए, जिनको ये आदेश दिया गया था है, भारतीय बौद्ध महासभा तैयार की गई कि आपने लोगों में बुद्ध धम्म के संदर्भ में जागृति लानी है जी, मगर ये जागृति अगर लाई होती तो आज समाज के अंदर जो चीजें हमको दिखाई देती है ना, वो नहीं दिखाई देती, जो गलत चीजें आज भी है। आपको क्या लगता है कि इसमें सुधार की कितनी संभावना है? बहुत संभावना है, बहुत संभावना है। आपको आपको एक कार्यकर्ता के रूप में, एक एक्टिविस्ट के रूप में आप कैसा सोचते हैं कि क्या करना चाहिए तो ये काम आगे बढ़ेगा? करना तो यही चाहिए कि हमने जो मैं अक्सर कहता हूँ वो शब्द, हम बहुत ज्यादा तुकड़ मस्ताने हो गए हैं। तुकड़ मस्ताने का मतलब यह है हम बहुत टूट चुके हैं। 1700 हर गली में आपको आज एक अलग अलग बौद्ध महासभाएं दिखेंगी, उनके अपने झगड़ों से वो उभरे तब तो समाज में सुधार लाएंगे ना। लेकिन एक सुधी नागरिक के रूप में, इस पूरे समुदाय का हिस्सा होने के रूप में, और एक रंगकर्मी होने के रूप में, एक कार्यकर्ता होने के रूप में, एक सांस्कृतिक कर्मी होने के रूप में, आपको क्या लगता है कि आपने इस कार्य में कितना योगदान देना चाहिए, आपकी भूमिका क्या बन सकती है? हाँ। मतलब एक सामान्य जन के रूप में आपका योगदान कैसे जा सकता है, क्योंकि हमारे दर्शकों में भी ऐसे कई लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि हमारी ओर से ये योगदान हो सकता है। आपको क्या लगता है कि हमारी ओर से इस काम को बेहतर बनाने के लिए ये योगदान हो सकता है? बिल्कुल। अब देखिए, हम तो ठहरे रंगकर्मी लोग जी, हम पॉलिटिशियन नहीं है, ना ही हम धार्मिक काम करने वाले लोग हैं, हम कलाकार लोग हैं, लेकिन हमने अपनी कला के माध्यम से तथागत बुद्ध के धम्म को आगे बढ़ाने का काम किया है, ये पूरे दावे के साथ हम कह सकते हैं। नागपुर के बहुत सारे ग्रुप हैं जिन्होंने तथागत बुद्ध के धम्म को रंगमंच पर साकार किया है, रंगमंच के माध्यम से तथागत बुद्ध के विचार जन जन तक पहुंचाए हैं। नागपुर का एक बहुत बड़ा महानाट्य है तथागत, यानी तथागत बुद्ध के ऊपर वो महानाट्य है, वो काम वही है प्रचार का, तथागत बुद्ध के विचारों के प्रचार का। हमारा अपना हमारे अपने दो महानाट्य हैं, महानायक सम्राट अशोक और अहिंसक अंगुलीमाल, पूरा का पूरा है। जैसे कि बाबा साहब ने कहा था कि मुझे भारत देश का, यानी पूरा भारत बुद्धमय करना है, ये पूरा भारत बुद्धमय करने का ये जो वाक्य था 1956 14 अक्टूबर का, वो वाक्य 1956 6 दिसंबर को समाप्त हो गया। उसके बाद लोगों में जो चेतना, लोगों में जो एक स्पीडली काम करने की बात थी, वो नहीं हुआ। अब रहा बात, हम कलाकार हमारे नाटकों के माध्यम से ये प्रचार कर रहे हैं, अशोका के माध्यम से इसका एप्रिसिएशन कैसा है, मतलब आपके दर्शकों में जो दर्शक इसे देखते हैं उनके पास इसका एप्रिसिएशन कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब ये देख के चलिए कि एक नाटक रंगमंच पर खेला जा रहा है और वो मंचन, वो नाटक देखने के लिए तकरीबन वन टाइम महानाट्य देखने के लिए 20,000 से 25,000 लोग आ रहे हैं और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें लेकर जा रहे हैं। अब जैसा इतिहास की अगर हम बात करें कि अशोका का इतिहास, मान लो दो मिनट के लिए अगर हम बात करें तो अशोका का इतिहास जिन लोगों ने लिखा है जी, जिनके हाथ में कलम थी, वो हमारे लोग तो नहीं थे। वो अगर हमारे लोग होते, मानवतावादी लोग होते, तो अशोका के संदर्भ में अच्छी जानकारी लिखते, अच्छी बातें लिखते, लेकिन अशोका को बहुत ही गलत ढंग से इतिहासकारों ने पेश किया है। लेकिन हमने अशोका का वो उजला पक्ष जो छुपा हुआ था उसको हमने उजागर किया, वो बुद्धिस्ट थिएटर के जरिए। यस, हमने वही बात
कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक का बुद्ध धम्म को स्वीकार करना और वहां से उनके पूरे जिंदगी में जो बदलाव आया, जो चेंजेस आए, वो पूरे चेंजेस, वो पूरा बुद्ध धम्म, मरते दम तक उन्होंने बुद्ध धम्म के लिए कार्य किया। आज आप कहीं पर भी खोदिए इंडिया में, आप कहीं पर भी खोदिए, आपको वही मिलेगा, तथागत बुद्ध ही मिलेंगे। आपको गुफाओं में चैत्य मिलेंगे, विहार मिलेंगे। ये कब, क्यों, किसने किया? जांबुलकर साहब, इससे जुड़ी हुई एक बात फिर आपसे जानना चाह रहे हैं कि जैसे आपने नाटक के क्षेत्र में, गीत के क्षेत्र में तो बात कही, जांबुलकर साहब एक बात इसी से जोड़कर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कला के दो आयाम तो आपने बताए, जिन दो विधाओं में, एक तो गीत की विधा हो गई, एक नाटक की विधा हो गई, लेकिन एक ऐसी विधा भी है जिसके लिए बुद्धिज्म पूरी विश्व में पहचाना जाता है और वो शिल्प कला रही है जी। और उस समय से वो इतनी उन्नत और इतनी प्रगत और इतनी विकसित कला दिखती है 1956 के बाद, मतलब जब बाबा साहेब के साथ ये जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज थी और ये कम्युनिटी जब बुद्धिज्म का हिस्सा बनी, तो क्या इस सेगमेंट में कोई शिल्प कला, कोई चित्रकला का विकास आप देखते हैं? बिल्कुल, इसलिए देखा जा सकता है कि अजंता एलोरा, अजंता की अगर हम बात करें तो अजंता के अंदर जो उत्कीर्ण है, जो शिल्प उत्कीर्ण किए गए हैं, उन शिल्पों का आधार लेकर, उन शिल्पों को आदर्श मानकर आज नए लोग शिल्पकला में काम कर रहे हैं। अच्छा। शिल्पकार बन चुके हैं कई लोग, स्थापित हो चुके हैं और उनकी बात, अपने शिल्प, वो शिल्पकार अपनी बात वो बनाए हुए मुजम्मे से, बनाए हुए वो शिल्प से पब्लिक के सामने रखते हैं और वो पूरा का पूरा आपको बुद्ध के जितने भी लक्षण हैं, बुद्ध के पूरे लक्षण आपको उनके शिल्प में मिलेंगे। ये जैसा अजंता में देखने को मिलता है, तो आज नागपुर शहर में या पूरे भारत भर में जितने भी शिल्पकार हैं जो तथागत बुद्ध के शिल्प बनाते हैं, उसमें वो सारी चीज़ें मिलती हैं, अपने जी जान से काम करते हैं वो लोग। क्या नृत्य में भी ये मिलता है? बिल्कुल मिलता है। क्या इसके सार्वजनिक मंचन भी होते हैं? सार्वजनिक मंचन, यानी पहले ऐसा होता था कि बुद्ध जयंती और अम्बेडकर जयंती को लोग रिकॉर्डिंग डांस करते थे जब हम छोटे थे, 5-6 साल के थे तब रिकॉर्डिंग डांस होते थे, लेकिन उसके बाद सारा दौर बदला और आज हमारे बच्चे, हमारी लड़कियां, हमारे लड़के डांस के फील्ड में आगे आ रहे हैं। मैं उस व्यक्ति का नाम लेना चाहूँगा जो हमारे अहिंसक अंगुलीमाल इस नाटक के लिए डांस डायरेक्ट किया है उन्होंने, उनका नाम है नूपुर कांबड़े जी, यानी अपने थॉमस कांबड़े की भतीजी। अच्छा। और बहुत ही सुंदर डांस बिठाया उन्होंने। और ये है कि उनके वो जो कथक में विशारद है, वो बिटिया कथक में विशारद है, और अभी हम उन सारी बातों को तो आपके सामने नहीं बता सकते कि हम कौन से विषय पर काम कर रहे हैं, लेकिन तथागत बुद्ध के विषय को लेकर ही हम डांस पर काम कर रहे हैं। मतलब दीक्षा का जो इन्फ्लुएंस मिलता है, जो प्रतिबिंब मिलता है, वो इस तरह से आता है ये रिफ्लेक्शन में। बिल्कुल। एक जांबुलकर साहब, चलते चलते फिर आपसे एक बात अंतिम रूप से जानना चाहेंगे कि आपको स्वयं को, आपने इतने बरस एक तो ऑल इंडिया रेडियो के साथ बिताए हैं, आपने मंचीय उद्घोषण में भी आपका अपना एक जबरदस्त प्रभाव रहा है और वो आज भी है। तीसरी बात ये भी रही कि एक रंगकर्मी के रूप में और एक सांस्कृतिक कर्मी के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में भी आपकी एक बड़ी भूमिका आती है। हम व्यक्तिगत रूप में आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि बुद्धिज्म की वो कौन सी बात है जो आपको बहुत प्रभावित करती है? अब ऐसा है कि तथागत के तो सारे वचन ऐसे हैं, हाँ, कि सबको स्वीकार लिया जाए, लेकिन जो बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं आपको। हाँ, नहीं, उसमें से ऐसा है कि तथागत की कोई भी बात माइनस नहीं की जा सकती हमारी जिंदगी से। ये तो सच है, है ना। तो फिर अभी कैसा है कि यार ये बच्चा काला है, ये बच्चा गोरा है, लेकिन बाप को तो दोनों बच्चे प्यारे हैं ना जी, है ना। तो
अब आपने ऐसा हमको उलझा दिए फुले साहब कि आपने बहुत ही कठिन प्रश्न कर दिया कि आपको क्या अच्छा लगता है तथागत। हमने कई लोगों से इस प्रश्न को पूछा तो किसी ने कहा कि तथागत ने सिखाया हुआ विज्ञानवाद हमें बहुत अच्छा लगता है। अब किसी ने कहा कि किसी भी चीज को जांचने पर रखने वाली जो बात है वो हमें बड़ी अच्छी लगती है। तो हमने इसलिए ये सोचा कि चलो भाई जांभूलकर साहब से ये बात पूछ ली जाए कि उन्हें कौन सी चीज है जो ज्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि रंगमंच पर अब एक बुद्धिस्ट आर्टिस्ट के रूप में, एक बुद्धिस्ट रंगकर्मी के रूप में आपकी विशिष्ट पहचान है। बुद्धगया की तथागत बुद्ध की मूर्ति तो देखी होंगी जी। अब उनकी मूर्ति की तरफ देखने के बाद वहां से जो एक बहुत ही प्रभावी मूर्ति है, वो उस मूर्ति को देखने के बाद ऐसा लगता है कि मानवता का पूरा स्वरमंडल निकल कर आ रहा है वहां से, मानवता की वो किरणें वहां से निकल कर आ रही है और पूरी दुनिया को अपने उस किरणों से वो प्रकाशमान कर रहे हैं। तथागत बुद्ध की यही बात अच्छी है कि उनकी मूर्तियों के तरफ देखने के बाद आप कितने भी निराशावादी हो, कितने भी थके मांदे हो, कितने भी यानी उलझ क्या कहते हैं उसको कि आप बहुत चिड़े हुए हो, है ना, तो आप वहां पर शांति पाते हैं तथागत बुद्ध के तरफ देखने के बाद। जिस बात के लिए तथागत पूरी दुनिया में पहचाने भी जाते हैं, शांति के लिए। हम लोग बातचीत कर रहे थे प्रसिद्ध उद्घोषक और रंगकर्मी और एक सांस्कृतिक कर्मी अशोक जांभूलकर साहब के साथ। हम आपको बता दें कि जांभूलकर साहब इस बात पर रुकते हैं कि एक प्रकाश पुंज जिसे देखा जाए तो कोई उसे देखे, कोई उसे महसूस करे। अब महसूस करने का व्यक्तिकरण नहीं हो सकता क्योंकि उसको व्यक्त करना बड़ा मुश्किल होता है, ये चीज़ें शब्दातीत होती है। ये जांभूलकर साहब का भी मानना है कि भाई इस कौन सी बात को बता दिया जाए, क्योंकि उनकी सब बात बड़ी अच्छी लगती है लेकिन प्रकाशपुंज के सामने खड़े होने से कोई उसकी तपन को ग्रहण कर लेता है, कोई उसकी ऊर्जा को, कोई उसके प्रकाश को और कोई उसके सान्निध्य को। तो जांभूलकर साहब उसी के सान्निध्य में अपने जीवन को लेकर चले हैं। हम इस समय मूल्यांकन कर रहे हैं 14 अक्टूबर 1956 की धर्म क्रांति का। यहाँ रुकते हैं, आपको जोड़ेंगे किसी और शख्सियत के साथ जिनके साथ ये मूल्यांकन आपके पास पहुँचाएंगे, उसे साझा करेंगे। जांभूलकर साहब आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय भीम। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।